मधुर सुंतान गुण यह आश्चर्यजनक पाठशाला अटे जोठारे तुम्हें पाठ पढ़ुवा आत्मा माने मध्य देखा जाऊना हो किंबा पढ़ाऊवा शिक्षक मध्य देखा जाऊना यहा हेउची नुआ कथा अन्य स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ला बेले शिक्षक छात्र छात्री समस्त देखा जाने कहीं शिक्षक मध्य शरीरधारी एवं छात्र छात्री मध्य शरीरधारी किंतु ए पाठशाला अर्थात ए ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे आमे समस्त आत्मा ये माने जो माने पाठ पढ़ुचे तो आत्मा देखा जाऊना कि जे पढ़ुचे स्वयं परमात्मा से मध्य देखा जाऊना से एक आश्चर्यजनक पाठशाला अटे बाबा प्रश्न पचार तुमको मुख्य रूप से क्यों शिक्षा मिलुची जहा अन्य कौनसी पाठशाला दिया जाऊना अन्य स्कूल कॉलेज रे जहा दिया जाऊना ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे कौन शिक्षा दिया जाऊची बाबा उत्तर रे कहउचंती एठारे बाबा निजर संतान मानंकु शिक्षा दे कहउचंती संतान माने निजर कर्मेन्द्रिय गुडकु आयत्तरे रख केबे भी कोनोसी भोणीको प्रति खराब दृष्टि न जाओ तुमे समस्ते आत्मा रूपरे भाई भाई अट एवं प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान भोणी भाई अट तुमर खराब विचार कदापि आसवा उचित नुहे एही बोली शिक्षा एही विश्वविद्यालय व्यतीत अन्य केउठारे भी दिया जाओ नहीं आत्मा दृष्टि भाई भाई एवं ब्रह्मा जा पिता ब्रह्मा संतान भाई भाई तो केते बेले मध्ये आम भितरे खराब भावना खराब दृष्टि उत्पन्न होगा कथा नुहे बाबा ये कहते निज कर्मेन्द्र को आयत्तर रख आत्मा भाव जी बस कर्मेन्द्र मध्य आयत्तर रही आज गीत हूँ दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए शिव बाबा आमको ज्ञान देवाई तो कौट आसूर देश परम धाम रु जहाँ आम मापी पारे तो से परम धाम आम मान भी घर अटे आत्मा मान बाबा जो रोचे तो दुनिया पर आया है गला ना तो दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए ओम शांति ना दूरदेशी आत्मा देखा जानती ना दूरदेश रहुवा परमात्मा देखा जानती केवल परमात्मा एवं आत्मा यही आखिरे देखा जानती नहीं आउ समस्त जिनिष देखा जाए यह बुझा को हुए जे मु आत्मा मनुष्य कथा भावती जे आत्मा अलग शरीर अलग आत्मा दूर देश रु आसी शरीर रे प्रवेश करुछि तुमे माने प्रत्येक कथा को भल रूपे बुझुचो आमे आत्मा माने किपरि दूर देश रु आसुचु आत्मा माने देखा जानती नाही पढ़ाउथुबा बाबा परमात्मा मध्य देखा जानती नाही एपरि कि केबे कोनोसी सत्संग रे अथवा शास्त्र रे सुनी नाहु ना केबे सुनी छो ना केबे देखी छो जे पढ़ुथबा एवं पढ़ाउथबा केहि एठी देखा जाउ नाहंती एबे तुम्हें माने जानु छो जे आत्मा खाली आखिरे देखा जाउ नाही आत्मा को ही पढ़िबा को हेबो आत्मा ही सब किछि करुछि ना एहा नुआ कथा जहाकु आउ केहि बुझाई पारिबे नाही आत्मा ही सुनुछि कान द्वारा आत्मा ही धारण करुछि परम पिता परमात्मा जे कि ज्ञान रो सागर से मध्य देखा जानती नहीं तेबे निराकार बाबा पढ़ाइबे किपरि जहां को शरीर नहीं मुख नहीं पढ़ाइबे किपरि आत्मा मध्य शरीर धारण करुछि ना सेहि परि परम पिता परमात्मा बाबा मध्य
भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथों शरीर में आसुचंती रथर अर्थात ब्रह्मांकर निजर आत्मा रही से निज आत्मा को कौन देखिपारे कि बाबा एही रथर आधार रे आसी संतान मान को पाठ पढ़ाऊ आत्मा मध्य गोटे शरीर छाड़ी आ गोटे धारण करुचे आत्मार परिचय अच्छी किंतु ताकु देखी हुए ना अनुभव करी हुए से ही बाबा जे की देखा जानती नहीं से तुम मान को पाठ पढ़ाऊ संपूर्ण नुआ कथा बाबा कहुचंती मु मध्य ड्रामा रो प्लान अनुसारे निर्दिष्ट समय रे आसी शरीर रो आधार नौची प्रत्येक कल्पर अंतरे संगम जुगरे शिव बाबा आसी ब्रह्मांक सरे प्रवेश करचंती आसी पाठ पढ़ाऊ नचे तुम्हें मीठा मीठा संतान मानंकु दुखरु किपरि मुक्त करिबी एबे तुम्हें माने जाग्रत हेउछ दुनिया रो मनुष्य सब सोई रही चंती कुंभकर्ण निद्रा रे भावचंती भगवान आसीबे भगवान आसी 84 वर्ष हैला सृष्टि परिवर्तन कार्य करी चली चंती जेउ समय रे कि से माने तुम मानंक निकट को आसी ज्ञान बुझिबा सहित ब्राह्मण हेबा उचित अन्य कौनसी सत्संग रे केही मध्य जाई बसी पारिबे किंतु एठा को एपरी कही आसी पारिबे नहीं काहेकि ना एहा होची पाठशाला बारिस्टरी परीक्षा रे जदि तुमे जाई बसिबो तेबे किछि बुझि पारिबो नहीं एहा होची संपूर्ण नुआ कथा सेथि पई प्रथम रे 7 दिन कार्ययोग अभ्यास करिबा तापर आमे परमात्मा को ज्ञान सुनबा मुरली क्लास करिबा संपूर्ण नुआ जदि कि आसीबो से कोन बुझिबो पढ़ाउथबा शिक्षक मध्य देखा जाउ नहंती पढ़ुथबा छात्र मध्य आखिरे देखा जाउ नहंती आत्मा भ्रुकुरे मझे थाई सुनुची ओ धारण करुची भितरे भितरे दायो निश्चय होई चली थाए एही कथा तो वास्तवरे ठीक परमात्मा एवं आत्मा उभय देखा जाउ नहंती बुद्धि द्वारा बुझा जाय थाए मो आत्मा केही तो ए कथा मध्य मान नहंती कहि देउछंती एहा प्रकृति अटे पुणी तार वर्णना मध्य करुचंती अनेक मत रही मुख्य होची आखि जे सब किछि देखुची आखि ही संतान को देखी थाए ये मोर संतान नचेत जानिबो किपरि केही जन्मरु अंध होइथिले ताकु बुझाई थांती ये तुमर भाई कारण देखि पारंती नाही बुद्धि द्वारा जानि पाइ थांती वास्तवरे केही अंध सुरदास होइथिले एही ज्ञान को भल भाव धारण करी पारिबे कहीं धोखा दिउथबा आखि नाही सुरदास कौन कहले ये भगवान कोई दुनिया को देखा चाहूनी आखि बाहर करदे हुए तो सी आउ किसी काम करी पारिबे नाही किंतु ज्ञान को भल भाव बुझी पारिबे जे पुरुणा दुनिया को देखी पारिबनी केवल बाबा को ही याद करिबो स्त्री को मध्य देखिबे नाही अन्य को देखिले ताड़ को बुद्धि जीव तेणु तांकु धरिबा पई इच्छा करिबे न देखिले कि परि धरिबे तेणु बाबा बुझाउचंती कर्मेंद्रिय गुड़ी को पक्का करिबा को हेबो क्रिमिनल अर्थात खराब दृष्टि रे कोनोसी भी भोणी को देखिबारो नाही खराब दृष्टि रो ख्याल टिके भी न आसीबा दरकार जदिओ आजिकालि कलिजुग अटे भाई भोणी मध्य खराब होइ औचंती किंतु नियम अनुसार भाई भोनी को मध्यरे खराब ख्याल रहिबा कथा नुहे आमे एकमात्र बाबांकर संतान अटु बाबा निर्देश देउछंती तुमे माने ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी अट तेणु ए ज्ञान पक्का होइबा दरकार जे आमे समस्ते भाई भोनी अटु आमे आत्मा माने भगवानंकर संतान भाई भाई अटु पुणी शरीर रे प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा भाई भोनी हेउछु काहेकि ना आम को सी पोष्य रूपे ग्रहण करुचंती तेणु खराब दृष्टि जाई पारिबो नाही या पक्का निश्चय कर जे मु आत्मा बाबा मते पढ़ाउचंती मु आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ुची एहा हेउची कर्मेंद्रिय मु आत्मा एथिरु अलगा ए कर्मेंद्रिय द्वारा मु कर्म करुची मु कर्म
मुण कर्मेन्द्रिय अटे कि मो आत्मा एलग यही शरीर नहीं अभिनय करलौकिक आउ कौन सी मनुष्य यही अभिनय करूना तुम्हें माने ही अभिनय करुछ घड़ी घड़ी निज को आत्मा भावी बाबा को मन पकड़ शिक्षक गुरु मध्य अटंती साकार रे बाबा शिक्षक गुरु अलग अलग होती एकमात्र निराकारी बाबा ही पिता शिक्षक गुरु अटंती पिता रूप से आमको सबुदिन पालना कर शिक्षक रूप से पाठ पढ़ाऊ सद्गुरु रूप से आमको सांगरे नहीं करे तो से बाबा आमर पिता मध्य अटंती शिक्षक मध्य अटंती सद्गुरु मध्य अटंती किंतु दुनिया रे तो पिता अलग गुरु अलग पुणी शिक्षक मध्य अलग आमे मध्य निराकार आत्मा माने पाठ पढ़ुचु तेणु बुझा जाउछे जे आत्मा परमात्मा बहुत समय धरी अलग रही था जितने आम परमधाम रु आसला 5000 वर्ष हो गला बाबा आम बिछड़ी करी आसीचे तो केते समय ही गला आत्मा परमात्मा बहुत समय धरी अलग रही था एठारे ही मिलन होता है संगम जुगरे जेते बेले बाबा को आसी पवित्र करेबा को होई थाए मूल वतन रे जाई आत्मा माने मिसिबे सेठारे तो कोनसी खेल हुए नाही ताहा तो आम निज घर सेठारे सब आत्मा रोचंती अंतिम समय रे सब आत्मा सेठा को चली जेबे जे आत्मा माने अभिनय करी एठा को आसुचंती से माने मझीरे घर को जाई पारिबे नाही नाटक न सरीबा पर्यंत कोनसी आत्मा जाई पारिबे नाही नियम नुहे अंतिम समय पर्यंत अभिनय करिबा को हेबो सब आत्मा आसीबा पर्यंत पुनर्जन्म नेबा को पड़िबो सतो प्रधान रु सतो रजो तमो को आसीबा को हेबो पुनी नाटक पूरा हेबा को जाउची तेणु तमो प्रधान रु सतो प्रधान हेबा को पड़िबो प्रथम रे दिले आसीला परमधाम रु तो आत्मा सतो प्रधान थिला किंतु जन्म मृत्यु चक्र रे आसी आमे सतो रजो तम अवस्था आसीचे पुणी आमको सत प्रधान पड़ो बाबा आत प्रधान करने बाबा सब कथा ठीक भाव बुझाऊ ज्ञान मार्ग हूँ सत्य मार्ग सत्यम शिवम सुंदरम कह जाए ना एकम्र बाबा ही सत्य कहते संगम पुरुषार्थी हेबा पाई केवल यह ही सत्संग आत्मा रूपी पुरुष को उत्तम बनेबार यहा ही एक सत्संग अटे बाबा जब आसी पिला मानको सहित मिशुचंती सेते बेरे ताकु सत्संग कहा जाए सत्र संग अर्थात एक परमात्मा ही सत अटंती बाकी सब हेउची कुसंग गायन करा जाए सत्यर संग उधार करे कुसंग बुड़ाई दिए कुसंग हेउची रावणर संग बाबा कहउचंती मु तुमको पारी करी नै जाउची रावण किए पांच विकार समस्त मध्य अच्छी हूँ रावण तो से रावण ही कौन करसंगे फसई दौर पुणी तुमको बुड़ाऊ किए तुम प्रधान किपरी हो बतावा पड़ी सम्मुखे माया शत्रु ढड़ा हो शिव बाबा हेले मित्र पति पति कह जाए यही महिमा रावण रुहे केवल कहिबे रावण अच्छी बास आउ किछि नुए तेबे रावण को काहिंकि जलाउछंती सेठारे मध्य तुम्हें माने एही विषय रे बहुत सेवा करि पारिबो कोनोसी भी मनुष्य मात्र के जाई नहंती जे रावण किए से केबे आसुची ताकु काहिंकि जलाउछंती अंधविश्वास होईचि ना रावण को आमे प्रतिवर्ष पढ़ुछे काहिंकि माया रावण पांच विकार हमको पतित बनाई देछ आमे दुख पाउछे रावण पुतला जुला हुए किंतु सत्ययुग में रावण को पड़वानी रावण को मारे परमात्मा राम तो सत्य त्रेता युग में राम राज्य हेबो पुणी द्वापर युग रु रावण राज्य आरंभ हेबो किंतु कही जाई नांती रावण किए रावण एबे भी मरिनि समस्त रावण अच्छी बुझाइबा तुम मान क्षमता अच्छी जेपरी से शास्त्र को अधिकार सहित शुणी था
श्रोता मध्ये बहुत विभोर हो शुणी थांती पैसा दे थांती संस्कृत शिखती गीता शिखती ए बहुत पैसा दे थांती बाबा बुझाउछन्ति पिले तुम्हें माने केते समय केते पैसा नष्ट करि आसिछ जे माने ब्राह्मण कुळर होइथिबे से माने तुम मानको निकट को ही आसीजिबे सेतिपाई तुम्हें माने प्रदर्शनी आदि करछ एठाकार फूल होइथिले निश्चय आसीबे एही वृक्ष बढ़ी चलिछि बाबा गोटे बीज लगाइले ब्रह्मा तांको ठारु पुणी ब्राह्मण कुळर उत्पत्ति हेउछि बाबा कहु समस्त बाबा ज्ञान दि जो माने ईश्वर कूल रही आदि सनातन देवी देवता धर्म रही से माने ही आसबे जड़ों ठारु बढ़ी चलिले प्रथमे घर लोके परे मित्र संबंधी आखपाखर लोके आसवाक लगिले पुणी शुणी शुणी केते आसी जाउछन्ति भावुछन्ति एहा मध्य सत्संग अटे जेतेबेले ब्रह्मा बाबा थिले आरंभरु परिवार सहित आसीगले बहुत जन पुणी एवे धीरे धीरे किंतु एथिरे पवित्रता रही मुख्य यहाँ हंगामा हेला एबे मध्य एथिपाई गाली देउछन्ति हरण करिनेउथिले पाटराणी करुथिले पाटराणी तो स्वर्गर हेबो ना स्वर्गरे ही आम पाटराणी हेबा सत्यजुगर आवासिन विश्वर मालिक बनुछन्ति हरण करिबा अर्थ होउछि जे बाबा आसी जो ज्ञान देले अनेक भौणी माने आसी एठी समर्पित होइगले निश्चय एठारे पवित्र कराइथिबे तुम्हें माने समस्तंकु सुनाउछ एहा हेला महाराजा महाराणी हेबार ज्ञान नररु नारायण हेबार सत्य सत्य कथा तुम्हें भगवानंक ठारु सुनुछ ए लक्ष्मी आणकु केही भगवान भगवती कहि पारिबे नाही किंतु पुजारी माने नारायणक चित्र को एते मानंती नाही जेते कृष्णंकु मानि थांती कृष्णंक चित्र बहुत किणी थांती तेबे कृष्णंकर एते मान काहीकि अछि काहीकि ना छोट पिला ना महात्मा ठारु मध्य पिला मानंकु उच्चरि रखि थांती काहीकि ना महात्मा माने आसी घर द्वार करी परे सब छाडि थांती केही केही बाल ब्रह्मचारी मध्य थांती किंतु तांकु जणा थाए जे काम क्रोध कोण छोट पिलांकु ए सब जणा न थाए तेणु छोट पिलांकु महात्मांक ठारु उच्च कहाजाए सेतिपाई कृष्णंकु अधिक सम्मान देथांती कृष्णंकु देखि बहुत खुशी होइथांती कहिथांती भारतर भगवान हेउछन्ती श्रीकृष्ण काहेकि श्रीकृष्ण संपूर्ण पवित्र आत्मा जेकि सत्ययुगर प्रथम राजकुमार एहि सृष्टि नाटकर जे हिरो पाठधारी सेतिपाई शिव बाबा जदि 100% पवित्रतार सागर श्रीकृष्ण मध्य बाप समान होइगले अर्थात ब्रह्मा बाबा निजको एते पुरुषार्थ आगू बढ़िले से मध्य भगवान समान होइगले सेतिपाई श्रीकृष्णकर पूजा मध्य होइथाय एवं सेही पुणी नारायण बनबे किंतु नारायणकर पूजा हुए नै श्रीकृष्णकर पूजा बेसी हुए एवं श्रीकृष्णकर चित्र समस्ते किणी थांती कन्या माने मध्य कृष्णंकु देखि बहुत स्नेह करिथांती कन्या माने मध्य कृष्ण को बहुत स्नेह करिथांती एहांको परि स्वामी मिलु एहांको परि संतान मिलु कृष्ण को प्रति बहुत आकर्षण रही थाए काहेकि ना से सतो प्रधान बाबा कहुछन्ती जेते मोर स्मृति रहिबो सेते तम प्रधान रु सतो प्रधान होइजिबो एवं खुशी रे मध्य रहिबो प्रथमे तुमे माने सतो प्रधान थिलो सेते बेले बहुत खुशी रे थिले पुणी धीरे धीरे कला कम होइ आउछि सत्ययुगरे थिले थिला तो आत्मा पूरा सत प्रधान थिला तो बहुत खुशी थिला सुख शांति वैभव थिला पुणी धीरे धीरे कमी गला तुम्हें माने जेते मने पकाइबो सुख मध्य सेते अनुभव करिबो एवं ता सहित सत्य युग को जल्दी बदली जीवो तमरु रजो सतरी आसिले शक्ति खुशी धारणा बढ़ी चलिबो वर्तमान तुम मानकर आरोहण कला हेउछि तेणु सिखाने गायन करंती तेरे भाने सर्व का भला सिख धर्म रे गायन अच्छी तेरे भाने सर्व का भला अर्थात तो दयारु समस्तंगर मंगल हेउछि तुम्हे माने जानुछ बाबांको स्मृति रहिबा द्वारा आमर आरोहण कला हेउछि अर्थात धीरे धीरे आमर उन्नति होउछि तेणु जेते तांकु मने पकेइबा सेते उच्च आरोहण कला हेबो आत्मा सेते कला बढ़िबो जो कला कमी अछि बाबांकु याद कले
जोग युक्त होइले आत्मार कला बढ़े शक्ति आसे तुमको संपूर्ण होगा पड़ो ना बाबा आसचंती पुणी षोल कला संपूर्ण सर्वगुण से संपन्न बनवाई तो ता एकमात्र बाबा याद ही पार चंद्रमार मध्य रेखा रही जाए थाए पुणी कला बढ़ी बढ़ी संपूर्ण हो जाए अमावास्या आसिले चंद्रमा रेखा रही जाए पुणी धीरे धीरे पूर्णिमा पर्यंत पूरा संपूर्ण चंद्रमा हो जाए तुम मानकर मध्य एहिपरि हेउछि चंद्रमारे मध्य ग्रहण लागिले कहंती दान देले ग्रहण मुक्त हेब तुमे माने तुरंत पांच विकार दान दे पारिबो नाही आखि मध्य केते धोखा देउछि द्वापर युगरे आमर संस्कार हेछि ना त आमे जदि भी चाहूचे पांच विकार को छाड़ीबा पई तो होई पारोनी सेतपई बाबा कहन जे आखि धोखा देथाय बुझी पारुनांदि जे मोर खराब दृष्टि जाउछि जेहेतु आम ब्रह्मा कुमार कुमारी होइछु तेणु भाई भी होइगलु पुणी इच्छा हुए या हाथ लगैबी तेज से ही भाई भाईर स्नेह दूर हो स्त्री पणियार विकारी भावना आसी थाए कहार मन भितर थाए जे मु बाबांकर होइछि तेणु मते के खराब दृष्टि हाथ लगाई पारिबे नाही पुणी के कहउछंती बाबा मते ए हाथ रे स्पर्श करुछि मते भर लागु नाही बाबा पुणी मुरली माध्यम रे सुनांती हा द्वारा तुम मान अवस्था ठीक रहिबो नाही जहि दैहिक दृष्टि गला ताले सिमारे विकार प्रवेश करिवो जदियो मुरली बहुत भलो सुनाउछंती बहुत अंगु बुझाउछंती किंतु स्थिति ठीक नाही दृष्टि खराब हो जाउछि केते विकारी दुनिया अटे पिला माने भावुछंती लक्ष्य बहुत उच्च तेणु बाबांक स्मृति रही ज्ञानी हो रहा आम हूँ ब्रह्मा कुमार कुमारी आमर हेउछि रूहानी संपर्क कोनोसी रक्तर संपर्क नुहे एपरि तो रक्तरु समस्ते सृष्टि होइथान्ति सत्य युगरे मध्य रक्त संपर्क रहिबो किंतु सेही शरीर जोग बल द्वारा मिलिबो दुनिया रे कहउछन्ति विकार बिना पिला किपरि हेबो बाबा कहउछन्ति ताहा हेउछि निर्विकारी दुनिया सेठारे विकार रहिबो ही नाही सेठारे यदि नग्न हेले ताहेले रावण राज्य होइजिबो पुणी एही दुनिया ओ सेही दुनिया भितरे फरक कोन रहिला एहा बुझिबा कथा खराब दृष्टि को समाप्त करिबा को बहुत मेहनत लागछि कॉलेज रे पुओ जे एकत्र पढिथांती तेनु बहुतंकर विकारी दृष्टि होइ जाइथाय पिला माने बुझिबा दरकार आमे ईश्वर पितांकर संतान तेनु परस्पर मध्यरे भाई भणी होइगलु पुणी खराब दृष्टि काई कि जाउछि समस्ते कहउछंती मध्य आमे ईश्वरंक संतान आत्मा माने हेले निराकारी संतान पुणी बाबा रचना करथवारु निश्चय साकारी ब्राह्मण ही रचना करिवे प्रजापिता ब्रह्मा साकार रे हेबे ना तेबे ताहा पोष्य होइगला आमको पोष्य संतान करुछंती ना मनुष्य मानंक बुद्धि रे या बिल्कुल आसु नाही जे प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि की परि रचना कले परमात्मा केमिति मुख वंशावली रचना कले पवित्रतार धारणा कले परेले बाबा कहते गोटे जन्म पवित्र रुह तार आधार तुमको एक जन्म स्वर्ग सुख मिल तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी होई भाई भणी होइगल खराब दृष्टि प्रति बहुत सावधानी दरकार एथिरे बहुत असुविधा होइथाय उच्च रु उच्च पद पाइबा को हेले मेहनत करबा को हेबो बाबा कहते पवित्र रुह तेसठी जन्म तो विकार गले गोटे जन्म यदि संपूर्ण पवित्र रही बाबा श्रीमद चलवा के उच्च पद पाइबा मानुंती पुणी मानु ना बहुत मेहनत रही मेहनत बिना श्रेष्ठ किपरि हे पा खबरदार रहा भाई भणी अर्थ ही हूँ जड़े पिता संतान पुणी खराब दृष्टि कहीं पाने जानुंट बाबा ठीक कहते आमर विकार दृष्टि जा स्त्री पुरुष उभयंकर विकार दृष्टि जाउछि एहाठार मुक्त हेबा ही हेउछि मुख्य लक्ष्य ज्ञान तो बहुत सुनाउछंती किंतु पवित्रतार चलणी मध्य हेबा उचित सेतिपई बाबा कहउछंती सबुठारु अधिक धोखा आखि देउछि मुख मध्य म्याउ म्याउ सेतेबेले करिथाय जेतेबेले आखि द्वारा कोनसी जिनिस देखिथाय एवं इच्छा होइथाय जे एहाकु किपरि खाइबी सेतिपई कर्मेन्द्र गुड़िक उपरे विजय प्राप्त करिबा को हेबो अच्छा
मीठा मीठा शिखिल दे संतान मान प्रति माता पिता बाप दादा बहुत मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं शुभ प्रभात आत्मिक पिता आत्मिक संतान मान नमस्ते आम आत्मिक संतान मान आत्मिक माता पिता बाप दादा को स्नेह भरा स्मृति नमस्ते। आज सारांश बाबा कहते प्रथम है पवित्रता रूपी चरित्र को धारण करने को हेबो खराब दृष्टि खराब विचार को समाप्त करने निज को ही कर्मेन्द्रिय गुड़िक भिन्न आत्मा भावेबा को हेबो। बाबा कहते जे तुम भितर पवित्रतार गुण धारण करने उचित खराब दृष्टि खराब विचार को समाप्त कर निज कर्मेन्द्रिय गुड़िक अलग भावा मुझ शरीर मालिक मो आत्मा अटे ईश्वर भिन्न एक चैतन्य शक्ति अटे। द्वितीय है परस्पर मध्य आत्मिक संबंध रखा हेब रक्त संबंध नुहे निजर अमूल्य समय एवं धन को नष्ट कर संगदोष निजक बहुत बहुत दूरे रखा हेब आम सत्संग बाबा संग करवा कुसंग नुहे एवं संगम जुगर समय बहुत मूल्यवान अटे से नष्ट श्रेष्ठ धन अविनाशी। बाबा कहते समस्ते तुम आत्मिक संबंध रख एवं बरदान हूँ आज ब्रह्म मुहूर्त समय बरदान ने दान दे बाबा समान बरदानी महादानी हो वर्तमान समय समस्त को बरदान देवार समय समस्ते दुख अशांति समस्ते तड़पुचार सुख शांति किरण देवा तो बाबा प्रथम भर ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेलारे एवं आमे मध्य बाबा बरदान नहीं समस्त को देवा ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष भाव ब्रह्म लोक निवासी पितांकर ज्ञान सूर्य स्वरूप लाइट एवं माइट अर्थात आलोक एही एवं शक्तिर किरण पिलामानंकु वरदान उपरे देथांती ता सहित ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता रूपरे भाग्य रूपी अमृत बांटी थांती केवल तुमर बुद्धि रूपी कलस अमृत को धारण करबा योग्य हेबा दरकार कौनसी प्रकार विघ्न बा प्रतिबंधक न रहु तेबे सारा दिन पाई श्रेष्ठ स्थिति बा श्रेष्ठ कर्मर समय निर्धारित करी पारिबो काहेकि ना अमृत बेलार वातावरण ही मनोवृत्ति को परिवर्तन करिबा बोली होइथाए सेति पई सही समय रे वरदान ग्रहण करिबा सहित दान मध्य दियो अर्थात वरदानी एवं महादानी हो ब्रह्ममुहूर्त समय रे सही समय जे प्रकृत समय जो समय रे आमे परमात्मा गुरु आमे वरदान नै पारिबा एवं सारा दिन आम स्थिति मध्य श्रेष्ठ हो पार अन्य समय आम से रोगयुक्त ही रही पार्वानी से समय सका उठवा फ्रेश सहित वातावरण शांत थी समस्ते से समय बाबा को याद करवा ब्राह्मण मान तो वातावरण पवित्र हो जाए शक्तिशाली हो जाए बाबा शक्ति आम शीघ्र आनी पार बाबा सहित कनेक्शन शीघ्र हो पार अन्य समय नेगेटिव वाइब्रेशन बढ़ी जाए से योग लगे आमको मेहनत करने को पड़े से बाबा कहते सका शीघ्र उठवार चेष्टा कर एवं बाबा वरदान ग्रहण करवा देवा बाबा स्लोगान कहते क्रोधीर काम है क्रोध करवा तुम काम है स्नेह देवा कि आम उपर क्रोध भी करू कि आम काम है स्नेह देवा सही जवा आम प्रति सुभावना रखा स्नेह देवा आज बाबा बाणी बाबा कहले आम बास्तविक समस्ते एक पितार संतान आत्मा दृष्टि भाई भाई एवं प्रजापिता ब्रह्मा संतान भाई भाई से आम भितर सब पवित्र संबंध रहा उचित भाई भाई दृष्टि देखा एवं यही समय जो जो समय परमात्मा आम भाग्य को श्रेष्ठ कर गोटे जन्म पवित्र रख तुमको जन्म जन्मांतर भाग्य प्राप्ति हो तो यह समय अटे समय को आम व्यर्थ गवानी
एवं बाबा कहले जे या होची वास्तविक सत्संग सदरसंग तारे कुसंग डुबई दिए आम सत्संग कर प्रकृत प्रकृति एवं सबुदिन ब्रह्म मुहूर्त आम उठवा यह हूँ वरदानी बेला निजे भी बाबा वरदान ने शक्ति भरपूर होगा बाबा शक्तिर किरण में निज को आत्मा भाव परमात्मा पाक जावा शिव बाबा जा कि संपूर्ण पवित्र सगर ज्ञान सूर्य जमी सूर्यर अनेक किरण आसे सेमती बाबा भावे अनेक किरण शक्ति आसुच्छे मो आत्मा को पवित्र कर सुख शांति वरदान बाबा भरपूर कर पुणी से वरदान को आम सारा विश्वर आत्मा मान को देवा समस्ते वर्तमान दुखी अशांत अच्छा आम से शक्ति देवा तो ये समय नेबा भी एवं देवा भी तो ब्रह्म मुहूर्त उठे आम से अभ्यास करवा एवं जदि कि क्रोध भी कर सतान काम है स्नेह देवा एमती जो रागिगला आम भी रागिजा ओम शांति।